जो इस साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 है, अभी तक हमने जो टारगेट हमें असाइंड हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को, वो 2629 करोड़ का टारगेट हुआ असाइंड हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो हमने अभी तक जो फरवरी 22 तक हमने 577 करोड़ जो अचीव कर लिया टारगेट का, यानी कि 93% अचीवमेंट है टारगेट की। तो इसमें हेड वाइज हम जिन एक्ट में डील करते थे, जैसे स्टेट एक्साइज वैट, GST, PGST एंड अदर अलाइड टैक्सेस, तो जो स्टेट एक्साइज है तो हमने जो है जो अचीवमेंट ऑफ टारगेट है हम 100% जो है जो असाइन टारगेट थी तो उसका जो फरवरी तक हमें टारगेट अचीव करना था 247 करोड़ अचीव करना था टारगेट, 270 के अगेंस्ट 247 करोड़ करना था, तो हमने 252 करोड़ अचीव कर लिया जो एक्साइज है। और बैट है, बैट में वैल्यू एडिशन टैक्स जो हमारे जो है CST पे आता है, कंटीन जो होती हैं जैसे यूनिट रन कंटीन एंड डिव जो मिलिट्री वाले होते हैं, और दूसरा जो है पेट्रोल पंप पे आती है, तो पेट्रोल पंप पे जो है सिंग क्योंकि नॉन बैटेबल आइटम है, तो जो IOC का गोदाम खुल ऊना में खुला है और जो IOC का जो वहाँ से सप्लाई आ रही है, जो मैक्स पेट्रोल पंप IOC के वहाँ से आ रहे हैं, और BP के जो है वो बद्दी से आ रहा है, और जो हिमाचल हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं वो भी बद्दी से आ रहा है, पर उनका टैक्सेशन जो है सिंगल स्टेज पे वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में जा रही है। तो हमें जो है फिलहाल जो टैक्स आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वो आ रहा है जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है, तो इसकी वजह से जो कलेक्शन है जो टारगेट के अगेंस्ट है हमारी जो पिछले साल था 34 करोड़ हमें टारगेट असाइंड हुआ था, तो पिछले साल जो हमारी था इस वक्त टैक्स कलेक्शन थी 30 करोड़ के लगभग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि सिंगल नॉन बेटेबल आडे सिंगल स्टेज पे स्टेट में एक बार ही टैक्स देना है, तो इसकी तो जो टैक्स पेड करके आ रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं लगता, तो हमारी जो है इसमें जो है 50% की अचीवमेंट ऑफ टारगेट हो जो बैट में। और जो SGST में है तो SGST में जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो हमारा टारगेट था 318 करोड़, तो हमें टारगेट अचीव करना था 291 करोड़, तो उसके अगेंस्ट हमने जो 262 करोड़ जो फरवरी तक जो अचीव कर लिया, यानी कि 90% की अचीवमेंट है। और PGST अभी जो पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स था तो हम मॉनिटर कर रहे थे दिसंबर तक, तो जनवरी से जो है ट्रांसफ़र हो गया इसका टैक्सेशन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, तो हम जो 31 दिसंबर तक की NOC हम इशू कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें नारा जो टारगेट है वो हमने फरवरी तक का टारगेट के अगेंस्ट हमने 92% अचीवमेंट कर लिया, तो ओवरऑल जो है अचीवमेंट जो 93% जो रेवेन्यू टारगेट की अचीवमेंट की है। तो इसमें जो मेजर था हमारा एक्साइज में था, तो एक्साइज में जो लाइसेंस फीस हमारी जो रिटेल वेंडर है जो लाइसेंस फीस मैक्सिमम जो बैंड्स हैं उनकी अप टू डेट है, कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट ना ही डिफ़ॉल्ट होने की संभावना ना ही डिफ़ॉल्ट अभी जो लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंस ले रहा, तो हम जो है जो एक्साइज का टारगेट है इसको जो अचीव ओवर एंड अबव अचीव कर लेंगे। और इसमें जो मेजर था वो स्ट्रेटजी हुई, तो इसके रिगार्डिंग हमने जो अभियान छेड़ा था डिस्ट्रिक्ट में, तो हमने मैक्स जो इस साल जो है तो हमने सैंपल जो है लगभग रूलर बैंड के हमने सैंपल 260 सैंपल जो है रूलर बैंड के लिए हैं टू चेक द प्योरिटी एंड और उसको और 457 जो हमने जो है अर्बन रूरल एरिया से ड्रान किए हैं सैंपल, और जो है अर्बन एरिया से 111 जो हमने सैंपल ड्रान किए हैं हमारी जो एक्साइज टीम ने लिए हैं, तो इनको जो फर्दर एनालिसिस के लिए हमने कंडा घाट भेज दिया गया है, जो इनकी रिपोर्ट जो है वो इस महीने के 15-20 तक आ जाएगी। और पूरी जो हमने इंस्पेक्शन की जैसे 258 ठेके रूरल एरिया में, तो उनके जो हमने इंस्पेक्शन के नॉर्म थे 200
इंस्पेक्शन के नॉर्म जो हमारे थे उसको अचीव किया। 258 हमने रूरल एरिया जो बैंड चेक की है, 71 जो अर्बन एरिया में है तो वो भी रूटीन में चेक कर रहे हैं, और बार्स हैं बार सर्कल वाइज जितनी बारें थी तो उनको जो है रूटीन में चेक कर रहे हैं। तो इन मॉनिटरिंग इफेक्टिव मॉनिटरिंग और जो लाइसेंस फीस है उस पर इफेक्टिव मॉनिटरिंग की वजह से हम जो है एक्साइज में जो है हम जो टारगेट असाइंड किया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने उसको अचीव करने में, और सेंट्रल जो स्टेट जीएसटी है तो उसमें हमने जो हमारे डीलर हैं टैक्स पेयर 15,550 डीलर रजिस्टर्ड हैं जो जीएसटी में, जीएसटी कांगड़ा में, उसमें जो है नॉर्मल टैक्स पेयर है 11,823 जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर, और जो एक है स्कीम चली है कंपोजिशन 3,550 जो हमारे कंपोजिशन डीलर हैं, उसके बाद 167 डीलर हैं TDS एंड TCS डीलर। TDS एंड TCS डीलर में आते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो DDUs होते हैं जो वर्क असाइंड करते हैं, तो उस तरह के डीलर होते हैं। तो इसमें स्टेट को जो असाइंड है हमारे डीलर, तो स्टेट को हमारे इसमें से जो स्टेट SGST जो स्टेट GST वाले देख रहे हैं, जो हमारा स्टेट वाले देख रहे हैं, तो उसमें 3,640 जो है डीलर नॉर्मल टैक्स पेयर जो है असाइन टू द स्टेट, और कंपोजिशन में 2,360 जो है दैट इज़ असाइन टू द स्टेट, और 121 जो स्टेट को असाइंड किए हैं। तो 10,120 डीलर हैं जो स्टेट हमारा जो इस महकमा देख रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम है सर्विस प्रोवाइडर, इसमें हमारे जो इसमें कंपोजिशन को बताएं तो सर्विस प्रोवाइडर हमारे 1,744 सर्विस प्रोवाइडर हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्टर 3,000 वर्कर कॉन्ट्रैक्टर हैं, और तो इस तरह के हमारा जो कंपोजिशन डीलर्स की रहती है। तो डीलर्स का हमने जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग करने के लिए, एक तो हमारा जो है टीम में गठित हैं, तो टीम में गठित जो है तो उनका राउंड द क्लॉक या जो 6 सर्कल हैं कंस्टिट्यूट करता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जैसे देहरा कांगड़ा और अपना पालमपुर और बैजनाथ और धर्मशाला 1 और धर्मशाला 2, और एक एक्साइज के AC है वो मॉनिटरिंग करते हैं एक्साइज से रिलेटेड मैटर्स के। तो हमने पिछले साल EV bill की इफेक्टिंग मॉनिटरिंग की वजह से हमारे 3,000 डीलर जो है EV bill के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए। तो EV bill की हमने इन टीमों ने हमारी ने जो अभी तक के जो EV bill थे 77,235 जो है हमने EV bill वेरीफाई किए हैं, और इनमें से 300,287 अनियमितताएँ पाई गई हैं, जो मामले पाए गए जिनके पास बिल नहीं थे, EV bill नहीं थे, एक्सपायर EV bill थे, तो 287 मामले ऐसे हमने किए हैं दर्ज किए हैं, जिसमें कि हमारे हमने जो है 95,51,460 रुपये की पेनल्टी इम्पोज की और रिकवर की है।